नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ। इस वक्त की सीधी तस्वीरें मल्लेवाला गांव से आपको दिखा रहे हैं कि जो स्थिति है वो ज़्यादा भयानक होती हुई नज़र आ रही है और जो पानी का बहाव है लगातार बढ़ रहा है। सुबह यहां पर सुबह से लेके अब तक जो है 8 फीट पानी है वो ऊपर चढ़ चुका है और जो ग्रामीण हैं उनमें एक डर का भय है। वो डर का भय है, ग्रामीणों को सताने लगा है क्योंकि पानी है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की तरफ से जो पुख्ता इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। अगर पीछे की बात करें तो 70% की कोशिश से जो पानी है वो लगातार आगे की तरफ आ रहा है और ये जो साथ लगते 30 गांव हैं इनके ऊपर जो खतरा है वो मंडरा रहा है। घग्गर नदी में जो जल स्तर है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है और आज सुबह जो डिस्चार्ज है करीबन 18,000 जो है हमारे O2 हेड से हो रहा है और अपस्ट्रीम की बात करें सरदूलगढ़ में 22,000 पहुंच गया। पीछे जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया कि गुला चिका साइड जो है डिस्चार्ज जो था अनप्रेसिडेंटेड लेवल का हुआ है, तो उसको देखते हुए जी निरंतर तैयारी की गई है। मुख्यतः इसमें जो हमारे इरीगेशन और पंचायत के जो बंद है उन पर जो है फोकस किया गया है। कई गाँव में जहाँ पर सिर्फ पंचायत के बंद मौजूद हैं मल्लेवाला से ऊपर आप स्ट्रीम बात कर ले तो वहाँ पर जो है मिट्टी डाल के उनको दोबारा रिन्यू किया जा रहा है। दूसरी बात करें जो टीकरी पहरा और जो गांव में मैसेजिंग की बात थी वो कंटिन्यूसली 3-4 दिन से चल रही है और गांव में इस लेवल की अवेयरनेस होगी कि रात में जो है पंचायतों के द्वारा जो है टीकरी पहरा लगाया जा रहा है। उसके अलावा अगर बात करें तो जो केली की समस्या आ रही थी उस पर भी जो है 3-4 दिन से काफ़ी काम हुआ है। पीछे से काफ़ी जो के लिए बह के आ रही है उनको हमारा जो प्रयास ये है कि उनको आगे निकाल के हम जो हमारा चैनल है घग्गर का उसको क्लीन रखें और आगे। इसके अलावा हमने जो इवैक्यूएशन के लिए इनकेस नीड पड़ी तो इवैक्यूएशन के लिए हमने गांव वाइज जो है कुछ जगह भी चिन्हित करी है और हमारा प्रयास ये है कि जो अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो हम लोग उसको एक प्रिपेयर तरीके से डील करने में हम तैयार हैं। और कितना पानी आ चुका है सर अब तक? देखिए टोटल पानी कहना तो मुश्किल है पर क्योंकि आपने देखा पीछे पंचकुला और अंबाला से जो है वहाँ पे जो पिछले सालों के कई सैकड़ों दशकों के जो रिकॉर्ड टूटे हैं वो सारा पानी इवेंचुअली यहाँ बह के आ रहा है, पर बीच में कई जगह जैसे पंजाब में और कुछ पॉइंट में हमारे यहाँ जैसे कुछ ब्रीच हो गए थे गुला चिका की बात करें बाकी, तो उस वजह से थोड़ा हमारे जो है डिस्चार्ज अभी यहाँ तक कम पहुँचा है। बट ये उम्मीद है कि अब जैसे करीबन 18,000 का लेवल जो है 12 बजे O2 में टच हो गया था तो आगे जो है ये लेवल 1-2 दिन हमारे क्रिटिकल रहेंगे तो हम कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर कर रहे हैं और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों से जगह से हम जो टच में रह के साइफन पे क्या स्थिति है साइफन पे शेर सईदा के पास, क्योंकि वहाँ पे केली काफ़ी अड़ी हुई थी राजस्थान में पानी जो है उसमें दिक्कत आ रही थी। जी देखिए हमारे जो है अगर घग्गर के स्ट्रेच की बात करें तो करीबन 80 किलोमीटर का स्ट्रेच हमारे ज़िले से होके गुजरती है घग्गर नदी और इसमें जो है हमारे 6 पॉइंट से जहाँ पर हमारे ब्रिज या साइफन जो है वैसे बने हुए हैं उस पर जो है जो अपस्ट्रीम थी O2 के अपस्ट्रीम जो पॉइंट्स थे 2-3 पॉइंट्स उन पर जो है 2 दिन पहले तक जो है हमने केली करके उसको जो ब्लॉक हो गई थी उसको हमने निकाल दिया था। डाउनस्ट्रीम जो है 82,000 और 89,000 पे जो है वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा समस्या थी बट क्योंकि उस पर भी जो है मशीनें लगा के लॉन्ग बूम मशीन होगी JCB होगी पोकलें लगा के करीबन 3 टीमें जो डाउनस्ट्रीम वो लगी हुई हैं और वो जो है क्योंकि पानी का स्तर भी बढ़ रहा है तो उससे भी जो हमें थोड़ी मदद मिल रही है और जो समस्या केली की समस्या है ये डाउनस्ट्रीम भी जो आज कम हुई है और राजस्थान से हम लोग टच में हैं। राजस्थान जो उनका हनुमानगढ़ का प्रशासन है उनसे भी हम लोग टच में, मंत्री जी का भी सहयोग उसमें है। उसमें हमारा ये रहे कि जो उनकी कैपेसिटी है एक तो जो साइफन की कैपेसिटी है वो करीबन 20,000 यूनिट्स की है और दूसरा IG कनाल की जो है वो 10,000 की यूनिट की है, तो उनसे टाइप करके IG कनाल जो है उसकी सफाई भी करवा दी गई है और वो जो उनका एंट्री पॉइंट था उसको अब हम ऑपरेट करके 10,000 की कैपेसिटी वहाँ पे भी डिस्चार्ज करने में हम लोग राजस्थान निकालने में सक्षम हो गए। ठीक, तो हमें अभी बस यही कि अभी स्थिति थोड़ी क्योंकि गंभीर होती जा रही है तो हमें वेट एंड वॉच हम लोग कर रहे हैं और आप लोगों के थ्रू मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि घग्गर नदी के आसपास अनावश्यक तरीके से अगर ज़रूरत ना हो तो बिल्कुल वहाँ जाने से अवॉइड करें और अपने गांव के आसपास स्थिति को मॉनिटर करते रहें और कुछ भी ऐसा हो तो सरकार से प्रशासन से तुरंत संपर्क करें। ठीक सर।